Hello guys, it's Misaran from Egalistic and today I have brought you the backway process to install the MIUI 9.2.4, which is the most stable build of MIUI 9 present on the Redmi Note 5 Pro. बाकी जो आगे अपडेट्स जितने भी इन्होंने दिए हैं दो तीन वो इतने घटिया हैं और इतने अनस्टेबल विद फुल ऑफ बग्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स, उनको हटाएं और सॉल्व कैसे करें रिवर्ट बैक करके, तो ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को देखना एंड तक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए ताकि अगर मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आप उसे देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें पकड़े मुद्दा। दोस्तों पहले तो मैं बता दूं ये हम इसलिए कर रहे हैं कि डाउनग्रेड कोई भी नहीं करता यार, पहली बात तो आपको बता दूं, बट Xiaomi ने हमें मजबूर कर दिया यार अपडेट देने का, मतलब है बग्स को सॉल्व करना, ये मतलब नहीं होता कि बग्स भर के अपडेट दे दिया। वाह इतना बुरा कर रहे हैं, मैं पहले भी इस पे आप वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ बग्स के बारे में टॉक किया जितने भी बग्स हैं अपडेट्स के थ्रू आ रहे हैं, तो वो सॉल्व करने के लिए ये वीडियो। अभी उस लिंक का मैंने उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, देखना चाहते हैं तो प्लीज देखिए, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा देखिए जरूर। और अब मैं आपको बताता हूँ कि रिवर्ट बैक करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। दोस्तों वैसे तो मेथड्स इजी वाले हैं, जो वो दो ही हैं कि आप फास्ट बूट मेथड से करें या रिकवरी मेथड से। ये इजी मेथड है, इससे आपको पीसी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको बस क्या करना होगा अपना फास्ट बूट मोड है जो उस पर फास्ट बूट कह रहा हूँ सॉरी अपना जो अपडेटर ऐप है उस पे जाइए और जो ऊपर टॉप पे थ्री डॉट्स दिख रहे हैं आपको इसको दबाएं, चूज अपडेट पैकेज दबा के आप अपनी जो फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है वो आप उसे सिलेक्ट करके अपडेट फ्लैश मार दीजिए और रीबूट कर दीजिए। बट ये वाला प्रोसेस मैं इसलिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ पहले, क्योंकि डिवाइस बग से भरा हुआ है और अगर हम ये वाले प्रोसेस के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि जो आपका डिवाइस है वो बूटिंग इश्यूज दे दे आपको या फिर स्टार्ट ही ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए हम सेफ मेथड के साथ जाएंगे और सेफ मेथड जो है वो पीसी के साथ ही है। तो अब हम ये दो मेथड रिकवरी और फास्ट रिकवरी और जो अपडेटर ऐप वाले मेथड हैं इन दोनों को रखते हैं साइड पे, क्योंकि डाउनग्रेड करने के लिए मैं ये प्रेफर नहीं करता। डाउनग्रेड करने के लिए बेस्ट मेथड है दी पीसी मेथड, जो फास्ट बूट मेथड भी जाना जाता है। और इससे हमें क्या करना होता है, पहले तो हमें चाहिए अपना Redmi Note 5 Pro, उसको हमें डालना होगा फास्ट बूट मोड पे। वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। द वॉल्यूम बटन एंड द पावर बटन टुगेदर, इन दोनों को आपको कॉम्बिनेशन को इकट्ठे प्रेस करना है और आपका डिवाइस जो है वो फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा और आप देखेंगे ये वाला बनी। देखने के बाद आपको क्या होगा कि डिवाइस आपको बनी पे रहेगा, आप ड्राइवर्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर लीजिए अपने पीसी में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये करने के बाद आप अपनी फाइल को अनजिप कीजिए, मतलब एक्सट्रैक्ट कीजिए, और उसके बाद MI फ्लैश टूल, उसका भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही है, उस लिंक पे जाएं MI फ्लैश टूल के, उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए अपने पीसी पे। फिर जब आप अपना डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो ऊपर जो कुछ ऐसे शो होना चाहिए आईडी पे कि आपका डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्टेड है, बट उसके लिए याद रखना कि ADB ड्राइवर्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल होना चाहिए, उन ड्राइवर्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, चेक कीजिए जाके और डाउनलोड कीजिए सारी रिक्वायर्ड फाइल्स और जाइए फास्ट बूट मेथड पे और कनेक्ट कीजिए अपने पीसी को और ओपन कीजिए अपना जो MI फ्लैश टूल है। उसके बाद जो आपको फाइल प्रोवाइड करवाई थी MIUI 9.2.4 वर्जन की, उसको आप सिलेक्ट करें, जो अनजिप फोल्डर है उसको, उसमें इमेजेस का एक फोल्डर होगा, सॉरी फोल्डर नहीं होगा, इमेजेस की एक फाइल होगी, उसको जाके सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेक्ट ब्राउज करने के बाद सिलेक्ट किया, आपके एक रिटर्न सी लंबी सी स्क्रिप्ट आ गई है कि ये फाइल यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे फाइल की लोकेशन शो करेगा आपका MI फ्लैश टूल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, नीचे आप जाएं और जो इरेज ऑल का ऑप्शन है उस पर जाके सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी बग्स वगैरह भरे होंगे वो सारे रिमूव हो जाएं, जो भी अगर एरर प्रॉब्लम्स होगी या कोई भी और भी प्रॉब्लम्स तो सब कुछ एक तरह से रिमूव हो जाए और आपका डिवाइस एकदम स्मूथ रनिंग सॉफ्टवेयर से एकदम न्यूली फ्लैश हो। तो आप मैं रेकमेंड करूंगा कि क्लियर ऑल करके फिर
फ्लैश करें, और बस ये सिलेक्ट करने के बाद क्लियर ऑल डाटा वाला ऑप्शन या फिर फ्लैश ऑल का ऑप्शन इन दोनों को दबाने के बाद आप सीधा फ्लैश मारें। फिर आपका जो फ्लैशिंग प्रोसेस होगा वो थोड़ा टाइम लेगा, होने के बाद आपका डिवाइस है वो बूट होगा MIUI 9 में। बट बूटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो सकता है, मतलब 20-30 मिनट्स तक का, तो डरिए मत कि भाई डिवाइस गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, हो सकता है कि आपके ड्राइवर्स की वजह से या फिर आपकी डाटा केबल की वजह से इसमें कोई एरर आ जाए और आपका डिवाइस बूट लूप में चला जाए, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ आप ड्राइवर्स अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लें और अपने जो डाटा केबल यूज कर रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की यूज कीजिए। और ये सब करने से पहले क्या करना होगा, आप सेटिंग पे जाएं, मैं प्रोसेस बताता हूं आपको, ये मेन प्रोसेस है, ये भी करना है कनेक्ट करने से पहले। सेटिंग पे जाएं, डेवलपर ऑप्शन को एनेबल कीजिए, अपना जो USB डबिंग है उसे भी एनेबल कीजिए, और उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ एप्स जितने भी USB डबिंग के ऑप्शन है उनको एनेबल कर दीजिए और अलाउ कर दीजिए परमिशंस वगैरह जितनी भी आ रही है। फिर उसके बाद अपना फास्ट बूट डिवाइस में कनेक्ट करके डाल के मोड में, फास्ट बूट मोड में अपने डिवाइस को डाल के कनेक्ट करके ये फ्लैश तब करना, ये सब करने के बाद जो अभी मेन प्रोसेस बताया मैंने, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका डिवाइस बिल्कुल रिवर्ट बैक, मींस डाउनग्रेड हो जाएगा, और ये डाउनग्रेड इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता। इसमें सब कुछ परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी है, बस एक बग है जो वो अभी इसमें है, वो है थीम्स आपका, बट इतना चलता है यार। होपफुली जब MIUI 9.5 का अपडेट आए उसमें सॉल्व करता है सब कुछ। तो अभी के लिए आप डाउनलोड कीजिए, मैं भी यही कर रहा हूँ, तो ये इजीएस्ट प्रोसेस है, मत डरिए, करिए, और ये कोई इतना वो खतरनाक प्रोसेस नहीं है, तो ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, आप जब, हाँ अरे एक बात बताता हूँ वीडियो को एंड करने से पहले, कि जब आपका डिवाइस है ना बूट होने में काफी टाइम लेगा, तो उसको दोबारा से सेटिंग करके अपनी आईडी वगैरह भर के सब कुछ कर लीजिए, और बैकअप लेना मत भूलना। बैकअप लेने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, सेटिंग्स पे जाए फिर आप एडिशनल सेटिंग्स पे, फिर स्क्रॉल अप करके आपको एक ऑप्शन आएगा बैकअप एंड रीसेट, उस पर जाइए, फिर आएगा बैकअप, आई थिंक ये वाला ऑप्शन आएगा बैकअप का, जो टॉप मोस्ट पे होगा बैकअप एंड फाइल, जो इस पर जाके आप बैकअप ले लीजिए एप्स का और अपनी सेटिंग्स का। ये सारा एप्स और सारी फाइल्स के डेटा का बैकअप लेके आप अपने मेमोरी कार्ड में या फिर अलग से इसको सेफली रख लीजिए, ताकि आपके डिवाइस जब रीसेट होके दोबारा से इसमें हम फ्लैश करें तो आपका डाटा लॉस ना हो। तो इस सब को बचाने के लिए और अपने डिवाइस को वापस एक अच्छी कंडीशन में लाने के लिए आपको ये सब करना होगा। और आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करते हैं जिनके पास Redmi Note 5 Pro है उन फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इसको स्मूथली एंजॉय कर सकें और ये बग भरे अपडेट्स को रिमूव कर दें। सो थैंक्स फॉर नाउ।